हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोगों को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी में मेडिसिन का खर्चा कितना होता है। सबका मन में ये रहता है कि आईवीएफ करवाने जा रही हूँ कितना क्या खर्चा होगा। देखिए मैं भी आप लोग से यही बोलूँगी, आईवीएफ में जितना खर्चा नहीं होता है उसमें मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि आईवीएफ में आपका 2 लाख के अंदर में सब कुछ हो जाता है और उसमें सिर्फ इंजेक्शन इंक्लूड रहता है। जो एक पिकअप के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, एक फॉलिकल्स को बढ़ाने के लिए डेट, उसे वही इंजेक्शन का पैसा उसमें इंक्लूड रहता है। बाकी मेडिसिन आपको ख़रीदना है, पिकअप के टाइम तो मेडिसिन नहीं दिया जाता है, देन उसे पहले जो फॉलिक एसिड वगैरह, हस्बैंड को कुछ मेडिसिन, वो भी कॉस्टली रहता है हस्बैंड का मेडिसिन, तो यही सब मेडिसिन का खर्चा खुद को देना है। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, वो 15 डेज का जो मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं 20 to 25 या 30 भी बोल सकते हैं, अभी 20-25 होने वाला है, तो उसमें और भी मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे डूफास्टोन जब मैं लाती थी 600 था, अभी 800 हो गया है डूफास्टोन, तो ऐसे ही मेडिसिन का प्राइस बढ़ता रहता है। और जहाँ पे आप सेंटर से लाओगे वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो देन हो सकता है आपको 10-20% डिस्काउंट मिले, बट सब कोई क्या करते हैं, डरते हैं कि बाहर से कैसा मेडिसिन ऑर्डर करूँ, अच्छा होगा नहीं होगा, तो सब कोई डरते हैं। इसलिए सेंटर से लाते हैं, सेंटर पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है और वो मेडिसिन का खर्चा बढ़ जाता है। मेडिसिन इंजेक्शन का खर्चा कितना आता है ये आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। मेरे पास तो वो अभी ये नहीं है, बिल वगैरह नहीं है, दरख्वास्त भी देती अगर होता मेरे पास। तो देखिए मेडिसिन का खर्चा फर्स्ट 15 डेज का 20-25 to 30 पकड़ लीजिए। ये जो है ये 3 मंथ तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उस टाइम पेट वाला इंजेक्शन कॉस्टली है, डूफास्टोन कॉस्टली है, पुश करने वाला डूफास्टोन प्रोजेस्टोरन सपोर्ट जो है वो कॉस्टली है। ये 3 मेडिसिन कॉस्टली होता है, बाकी फॉलिक एसिड हो गया, एस्ट्रोडेल हो गया और मल्टीविटामिन 2-3 टाइप का देते हैं, वो भी कॉस्टली ही रहता है। और गैस वाला मेडिसिन, वॉमिटिंग वाला मेडिसिन, ये सब इतना प्राइस नहीं होता है, फिर भी नॉर्मल प्राइस रहता है, और इकोस्पिन हो गया। बट कॉस्टली मेडिसिन जो है आपको पेट वाला इंजेक्शन है, प्रोजेस्टोरन का सपोर्ट 2 टाइम, वजाइनली सेल वो है और डूफास्टोन है। तो ये मेडिसिन जो है आपको 3 मंथ, किस किसी का 5th मंथ तक कंटिन्यू रहता है सब मेडिसिन। तो अब मान लीजिए मंथली अगर आपका 50,000 होता है तो 3 मंथ 1.5 लाख, और 5 मंथ हुआ तो यहाँ पे हो गया आपका 2.5 लाख, और फिर उसके बाद थोड़ा मेडिसिन का डोज धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी मतलब ये प्रॉब्लम है, प्रीटर्म डिलीवरी हिस्ट्री है या फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, देन आपका मेडिसिन पूरा लास्ट तक चलता है, बहुत सारा मेडिसिन। तो ऐसे करके मेडिसिन का खर्चा जो है मैं तो यही बोलूँगी 3 to 3.5 या 4 लाख तक मेडिसिन लग जाता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए ज़्यादा लगा, हो सकता है आपको और थोड़ा सा कम लगे, बट मेडिसिन का खर्चा आप 4 लाख पकड़ लीजिए, डिलीवरी 1 लाख, 5 लाख, और आईवीएफ का जो 2 लाख, 6-7 लाख के बीच में आईवीएफ हो जाता है, 6-7 लाख तक ही लग जाता है आईवीएफ day 1 से लेके डिलीवरी तक का खर्चा पूरा मैं एक्सप्लेन कर दीजिए वीडियो में। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईवीएफ होगा 1 ईयर आईवीएफ होगा, मतलब आईवीएफ का खर्चा 2 लाख हो गया, उसके बाद कब लगेगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको एक अप्रॉक्स पकड़ के चलना चाहिए। मंथली 50,000 तक आपका खर्चा आ सकता है 3 या फिर 5 मंथ तक, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे करके जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। तो वैसे अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।